उसे क्या आंवला यार, ये खाइए। इसे केजी आंवला है तो उसमें 3 पाव चीनी डाल करके आपका भी कैंडी तैयार हो जाएगा, मेरा भी कैंडी तैयार हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, फटल बाजी है। आज बन रहा है गोभी और आलू का सब्जी, इसको बनने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा। और आज मैं बना रही हूँ इधर आंवला कैंडी, इसके जो मैं आंवला बॉईल करके रख ली हूँ, इसको मुझे छीलना बाकी है। मैं छील ही रही थी, लेकिन हुआ ये कि मुस्कान को खाना था बर्गर, वेज बर्गर। मुस्कान के लिए यहाँ बैठी है, इंतजार कर रही। कल रात में ही डिमांड की थी खाने के लिए। क्या मुस्कान, रात में भी खा ली थी, फिर अभी भी बना दिए हैं। थैंक यू। नॉर्मल वाला था, आज वेज वाला है। कैसा लग रहा है? इतना देर बोले सुनाई भी नहीं दे रहा है। जो मार्केट में मिलता है उससे अच्छा है। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और मुस्कान को नाश्ता दे दिए हैं, मुस्कान खा भी ली है, सब हो गया है। ये पत्ता गोभी जिसमें से मैं थोड़ा सा काट करके मुस्कान को बर्गर में डाल करके दी थी, तो इसको मैं फ्रिज में भी रख देती हूँ। और अभी और भी बहुत सारा काम रखा हुआ है, सारा कुछ करना है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं धूप में बैठ जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं करूँगी। मनु का रूम में झाड़ू तो हो गया है, पर उसका थोड़ा बहुत सामान है जिसको कि मैं समेटी नहीं हूँ अभी। यहाँ लैपटॉप का चार्जर जिसको मैं नहीं हटा रही हूँ, क्योंकि उसका लैपटॉप ऐसा हो गया है कि जब तक चार्ज में लगा के काम नहीं करता है तब तक उसका लैपटॉप चलता नहीं है, तुरंत डिस्चार्ज हो गया है ऐसे दिखाता है, इसीलिए उसको लैपटॉप चार्ज में लगा कर ही कुछ भी काम करना पड़ता है। पेट उनका हो गया है। और अब मुस्कान के लिए मैं पानी भी चढ़ा रही हूँ नहाने के लिए, उसका ग्लास खत्म हो गया है, पानी गर्म हो गया है, पानी उबल रहा है, उबल रहा पूरा। यहाँ पे खड़ा होकर मसमसा रही है मुस्कान, पानी गर्म हो गया, सुनाई दे दिया, तो चलो नहा लो। तो कहा बोले पानी गर्म करना है, नहीं नहाना था नौटंकी, अभी बोल रही है कि नहीं नहाना है, और लेकिन नहाएगी वो भी तुरंत आ जाएगी पीछे पीछे नहाने के लिए। इधर मैं सब्जी धो करके रखी हूँ, आज मन शाम में आ रहा है, 5 बजने वाला, 4:30 हो गया है, और अभी आया है बोले से, अब तो बोले थे मिर्चा लेते आने के लिए, चटनी पीसने के लिए मिर्चा लेके आया, हाथ में दिया लड़ाई करेगा, तरफ तो उठा लेंगे। हम लोग तो कहते हैं कि हाथ में मिर्चा नहीं देना चाहिए, बच्चे रोज लड़ाई करते हैं। अब मुस्कान अभी खाना खाने बैठी है, मन्नू का इंतजार करते करते सूखा भात खा रही है, इससे परेशान है। दुनिया भर का खाना बना के रख देंगे लेकिन खाती ही नहीं है, क्या कर सकते हैं, परेशान है मुस्कान से, कुछ भी नहीं खाना चाहती है, कुछ भी बना के दे देंगे कुछ भी नहीं खाएगी। और अब मन्नू को खाना दे देते हैं, बस से खा के गया हुआ है, अभी तो कुछ भी खाने का ठिकाना नहीं है। यहाँ पे मैं धनिया का पत्ता सुबह में ही धो करके रखी थी चटनी पीसने के लिए, लेकिन मिर्ची नहीं था इसीलिए रह गया है। और इधर ये पुदीना कल मैं लेकर के आई हूँ, ये मेथी, दोनों मेथी है, एक बंडल लेकर के आई थी, मैं 2 जगह करके रखी हूँ, क्योंकि इसका मैं मेथी का पराठा बनाऊंगी, इसमें डंठल के साथ में ही है, ये बिना डंठल का है, पत्ता पत्ता, क्योंकि इसको मैं मेथी मटर मलाई बनाऊंगी, जो कि शायद कल बनाऊंगी, मैं इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि पहले का गोभी रखा हुआ था, तो गोभी बनाना था पहले, कल बनाऊंगी मैं उसको। एक प्रोसेस हो गया है कैंडी बनाने में, दिखाती हूँ। पतीला में ये आंवला को मैं पहले बॉईल करके उसके बाद उसका कली मैं अलग अलग कर दी हूँ, उसके बाद इसमें चीनी में डाल दी थी, जो कि अब पानी पूरा घुल चुका है, पानी बन चुका है, तो इसको मैं कल आगे का प्रोसेस करूंगी, आज बस इतना ही करना था इसको। और बाकी का प्रोसेस जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, क्योंकि आज का जितना भी था जैसे भी करना था बॉईल करके उसको अलग अलग करके चीनी में डाल करके मैं रख दी हूँ, घुल भी गया है, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा इसका रेसिपी। अगर पूरा देखना है तो आपको एक वीडियो में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको बनाने में 3-4 दिन लग जाता है। जी, आंवला का भी चटनी पीसना, धनिया पत्ता का भी चटनी पीसना है, आंवला भी मैं यहाँ रखी हूँ, उसको भी मैं अभी पीस देती हूँ, साथ ही साथ धनिया का पत्ता है उसका भी चटनी मैं पीस दूंगी, अभी दोनों काम मिर्च की वजह से रह गया था, फटाफट से पीस देती हूँ। खत्म होने वाला था इसलिए मैं लेकर आ गई थी। चटनी तो कम से कम 15 दिन के चले गए, चलेगा, खाई भी नहीं हुआ चटनी।
से पानी आ रहा है, खुशबू इतना अच्छा लगता है ना, क्या बोले। अभी आंवला का सीजन है इसीलिए जितना हो सके आंवला लेके आइए, खाइए, जो भी जैसा भी आप जानते हैं बनाने के लिए वो बनाइए खाइए, बहुत अच्छा होता है। इसके लिए सबको पता है कि बहुत अच्छा होता है आंवला का चटनी, आंवला का मुरब्बा, आंवला का खट्टा मीठा वाला चटनी, आंवला का खट्टा वाला चटनी होता है, जैसे मैं मुरब्बा बनाई वैसे कैंडी, बहुत सारा रेसिपी होता है आंवला का, और हेल्थ के लिए तो अच्छा होता ही है सबको पता है। तो आप लोग को अगर बनाना है आंवला कैंडी तो मार्केट में भी आने लगा, बल्कि अभी अच्छा आंवला आने लगा, अभी जो आंवला का साइज भी अच्छा अच्छा आने लगा है और हल्का पीला पीला है तो वो बहुत अच्छा होता है बनाने के लिए। तो जाकर के लेकर के आइए और आज ही उबाल करके उसमें शक्करी खिला लीजिए, उसके बाद फिर उसमें जितना आंवला लेके आए जैसे 1 kg आंवला है तो उसमें 3 पाव चीनी डाल करके और उसको छोड़ दीजिए, तो पानी निकल जाएगा। उसके बाद का क्या करना है वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख के साथ ही साथ बना दीजिए, आपका भी कैंडी तैयार हो जाएगा, मेरा भी कैंडी तैयार हो जाएगा। धनिया का चटनी भी तैयार हो गया है, इसको भी रख देते हैं। धनिया का चटनी मैं इसलिए बनाई हूँ क्योंकि मुझे इसी दिन में बनाऊंगी लिट्टी, इसीलिए मैं धनिया का चटनी बनाई, आंवला का चटनी काफी था जैसे लिट्टी बनाने के लिए, लिट्टी के साथ खाने के लिए अच्छा लगता है। लिट्टी के साथ तो चोखा बिहार का फेमस है ना, लिट्टी और चोखा, या फिर टमाटर का चटनी रहता है साथ में लिट्टी के साथ में, तो बस तो धनिया का पत्ता के साथ खाते हैं, धनिया का पत्ता के साथ धनिया के चटनी के साथ खाते हैं, क्या क्या बोल रहे हो मैं। बर्तन धो लेते हैं, सबसे ठंडा दिन में मिट्टी वाला काम होता है बर्तन धोना, ठंडा में बिल्कुल भी बर्तन धोने का मन नहीं करता है, पानी पूरा ठंडा हो गया है, हम लेट से आया इसीलिए आज सारा काम लेट हो गया, कोई बात नहीं फटाफट से धोने लेती हूँ। थोड़ा बर्तन तो मैं धो ही ली हूँ, ये थोड़ा सा बचा हुआ है, ये कढ़ाई और ये छिल कद्दूकस करने वाला और कटोरी में लेकर के जा रही हूँ हॉल में बैठ के, मुझे गाजर भी छिलना है और कल सुबह के लिए मैं सोच रही हूँ मटर भी छिल करके रख देती हूँ। यहाँ पे बैठती हूँ मैं, जमीन बहुत ठंडा है, आज मैं छत का दरवाजा बंद नहीं की हूँ, भूल गई थी मैं छत का दरवाजा बंद करने के लिए, साथ में यहाँ पे जो मैं बोरा बिछा करके बैठती हूँ वो भी यहीं पर रखा हुआ है, भूल गई थी मैं। मनु आ गया, उसके बाद हम लोग चले गए, गाजर मैं छील रही हूँ, जाती हूँ पहले गाजर बैठा देती हूँ, कंदा रहेगा हलवा। मनु भी जिम से आ गया है, यहाँ खड़ा खड़ा पानी पी रहा है, दोनों में से कोई नहीं सुनता है मेरा बात, दाम जम गया, ये लोग इतना हल्ला कर रहा है यहाँ पे दोनों भाई बहन, कह चिल्ला रहे थे जोर से दोनों जन, गाना गा रहा था, गिटार बजा रहे हैं हम लोग अगर का सिंगर है एक मिनट से ठीक है, आपको बात है फटर बासी है तो ये तो मस्ती कर रहा है दोनों जन, और मैं चलती हूँ बटर छिलने।